am your English teacher. How are you? Are you ready for your class? So let's start. Today we will learn in English about chapter 1 of English literature book. And your chapter 1 is You Can No Longer Reach Me, Said the Sky. This is a folk tale. What is this? This is a folk tale. आज हम एक लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश में. आपका फर्स्ट चैप्टर है यू कैन नो लॉन्गर रीच मी सेट द स्काई. सेट द स्काई, यहाँ पे स्काई आकाश आपसे क्या बोलता है? आकाश बोला कि यू कैन नो लॉन्गर रीच मी, आप मुझ तक बहुत लंबे समय तक नहीं पहुँच पाएंगे, आप मेरी पहुँच आपसे दूर होती जाएगी. ये एक लोक कथा है, इट्स अ फॉक टेल. एंड इसी के बारे में आज हम इसी स्टोरी से जानेंगे, पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डिस्टेंट एंड अनरीचेबल द स्काई लुक्स व्हेन यू लुक अप टुवर्ड्स इट. हाउ डिस्टेंट, कितना ऊंचा, एंड अनरीचेबल, अनरीचेबल मीन्स जहाँ पे हमारी पहुँच ना हो सके. द स्काई आकाश है. व्हेन वी लुक जब हम इसकी ओर ऊपर देखते हैं, ऊपर इसकी तरफ देखते हैं, तो ये कितना ऊंचा है. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था. अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो द स्काई वॉज क्लोज, बहुत समय पहले की बात है, स्काई क्लोज था. क्लोज मीन्स हमारी पहुंच में था, इतना दूर नहीं था जितना कि आज है. रादर सो क्लोज दैट वन कुड रीच अप टू इट, इतना क्लोज कि एक कोई भी इसके पास तक पहुंच सके, पहुंच में था. हियर इज हाउ इट बिकेम डिस्टेंट, और यहाँ पे अब यही जानेंगे हम कि कैसे ये इतनी दूर हो गया. ये लोक कथा है, और फोक टेल लोक कथा क्या होती है, जिससे हम हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी पिछली पीढ़ियाँ, हमारे पूर्वज क्या थे और क्या उसमें से हमको लेना है अपने संस्कार में, ये सब चीज़ें हम लोक कथा से जानते हैं. लोक कथा फोक टेल्स आपको इन डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट, डिज़ाइन एंड स्टोरीज, सॉन्ग्स, इन सब के थ्रू मिलती हैं. ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल स्टोरी से ही हमको लोक कथाएँ मिलती, फोक टेल्स मिलती हैं. स्टोरी में भी होता है, सॉन्ग में, आपके डांस में, आर्ट में, डिज़ाइंस में, जो लेखन आलेखन सब में ये चीज़ें दिखती हैं. सो क्लोज टू द अर्थ एंड टू इट्स ह्यूमंस द स्काई वॉज एज अबंडेंट एज इट वॉज एक्सपेंसिव. क्लोज टू द अर्थ, धरती के नज़दीक, एंड टू इट्स ह्यूमंस, और इस धरती पे जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग है, नर नारी है, और भी जो जीव हैं, ये सब, द स्काई वॉज एज अबंडेंट, इनके लिए इट वॉज एक्सपेंसिव. ये जिस तरह से आकाश जितना बड़ा है, जितना बृहद विशाल है, उसी तरह से ये प्रशस्त और प्रचुर भी है, प्रचुर भी था, कि अपने अंदर वो सारी क्षमताएं रखता था कि धरती पर रहने वाले लोगों की सारी आवश्यकताएं पूरी कर सके. इट जेनरसली ऑफर्ड द पीपल ऑल द फूड दे नीडेड फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट. ये इसके खजाने से, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसके पास सब कुछ है, तो इसके खजाने में जो कुछ भी है वो सब कुछ वो धरती के लोगों को आवश्यकताएं उनकी पूरी करने के लिए ऑफर करता है, अपनी ओर से देता है कि आप मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका है, आप लीजिए और अपनी नीड्स कंप्लीट कीजिए. आई विल फीड यू लाइक अ डॉटिंग मदर, मैं आपको आपकी ज़रूरतें पूरी करूँगा, मैं आपको खिलाऊँगा जैसे एक माँ होती है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए, माँ के पास कोई भी डिमांड आप लेके जाइए जरूर कंप्लीट होती है हमेशा. तो सेम थिंग इज आल्सो हियर, यहाँ पे आकाश भी एक डॉटिंग मदर, एक प्रिय माँ की तरह से है कि जो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है और सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी, आज ही नहीं, आज के बाद आने वाले समय में भी जो ह्यूमन बींग्स होंगे, जो लोग धरती पर होंगे, उनके लिए वो हमेशा रेडी है एज ए डॉटिंग मदर. टेक वॉट एवर यू नीड फ्रॉम मी सेट द स्काई, आकाश कहता है टेक, लीजिए वॉट एवर यू नीड फ्रॉम मी, मुझसे आप जो भी आपको ज़रूरतें मुझसे हैं, जो भी आपको मुझसे मिलता है और जो भी आप लेना चाहते हैं आप मुझसे लीजिए. एज इट रिगार्डेड द टिनी अर्थलिंग्स काइंडली, बहुत ही दया करुणा वाले भाव से जो धरती पर रहने वाले लोग हैं उनसे आकाश ऐसा बोलता है. देन इट रीच डाउन टूवर्ड्स देम टिल इट वॉज ओनली एन आर्म्स लेंथ अवे, उसके बाद वो इतना नज़दीक आ जाता है, जैसे जब हम किसी से हार्डली एकदम जुड़े होते हैं, उससे कुछ कहते हैं तो हम उसके नज़दीक आना भी चाहते हैं और आते भी हैं,
उसी तरह से आकाश जब एक माँ की तरह बिहेव कर रहा है तो एकदम इतने करीब हो जाता है धरती के और धरती पर रहने वाले लोगों के कि बस लेंथ कितनी रहती है, डिस्टेंस कितना रहता है, एज एन आर्म, एक भुजा, एक बांह के जितनी दूरी रहती है, इतने नज़दीक आ जाता है हमारे। डिलाइटेड पीपल रीच्ड इनटू इट, खुशी से जितने भी लोग हैं वो भी इसके पास आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं नीचे। पुलिंग आउट ऑफ इट ऑल द फूड दे नीडेड टू ओवरकम हंगर और अ क्रेविंग फॉर फैंसी डिशेस, वो अब फैंसी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए जो कुछ भी चाहते हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ वो पुलिंग आउट, सब कुछ आकाश से ले लेते हैं खुशी खुशी। नथिंग प्लीज द स्काई मोर देन टू ऑफर ऑल दैट द पीपल नीडेड और डिजायर्ड एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे। नथिंग प्लीज द स्काई, स्काई केवल उसी में नहीं खुश था कि जितनी ज़रूरत है बस उतना ही दे, कि उसके पास और भी बहुत कुछ है और वो उससे भी ज़्यादा देने के लिए हमेशा तैयार है। देयर वर लाइट मील्स फॉर ब्रेकफास्ट, वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हल्का भोजन, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, सुबह जब हम अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं उस टाइम जो हम लेते हैं वो ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट के लिए लाइट मील, हल्का भोजन, एंड राउंड मील्स फॉर लंच, और संतुलित भोजन, सब कुछ इसमें होना चाहिए वैसा भोजन लंच के टाइम, मीन्स दोपहर के टाइम के लिए, एंड डिनर, और रात के खाने के लिए, तीनों टाइम के हिसाब से जितनी बार हम जो भी फूड लेते हैं, जो भी खाते हैं, वो सारा कुछ हमको प्रोवाइड कर रहा था आकाश। When the dazzling sun was high in the sky, जब एकदम दहकता हुआ सूरज आकाश में सबसे ऊंचाई पे होता है, यानी कि दोपहर का समय। The food it offered was spicy and exciting, उस टाइम जो फूड ये ऑफर करता है वो स्पाइसी एंड एक्साइटिंग होता है, उत्तेजित, यानी कि सबसे ज़्यादा आकाश अपनी ऊर्जा हमको उस समय देता है। किस समय? दोपहर के समय, क्योंकि आकाश से जो एनर्जी का सोर्स है वो सन है, और वो अपने पूरी क्षमता पे कब आता है? दोपहर के टाइम में। इन कोल्ड विंटर्स पीपल गॉट पेल एंड जेंटली फ्लेवर्ड कोल्ड डिशेस, इन कोल्ड विंटर्स, ठंड के दिनों में, जाड़े के मौसम में पीपल गॉट पेल, लोग मध्यम पड़ जाते हैं, गर्मी में जितना फ्री रहते हैं लोग उतना ठंड के दिनों में नहीं रहते हैं, तो गॉट पेल एंड जेंटली फ्लेवर्ड कोल्ड डिशेस, और उस टाइम कोल्ड डिशेस अच्छे टेस्ट में, अच्छे फ्लेवर में जो रहती हैं उसको लेते हैं। एट नाइट इट ऑफर्ड ब्राइट लिटिल स्नैक्स, रात में ब्राइट लिटिल स्नैक, छोटे छोटे स्नैक ऑफर करता है। फ्रॉम इट्स स्टारी रिजर्वर, उस टाइम भी स्टारी मीन्स जब रात में आकाश कैसा होता है, स्टार से भरा हुआ पूरा चमचमाता आकाश, और उस समय भी उसके पास बहुत कुछ होता है, एक बहुत बड़ा खजाना उस टाइम भी होता है जो कि वो हमें ऑफर करता है। ऐसा नहीं कि केवल दिन के ही मौसम और दिन के ही अपने टाइम में सारा कुछ वो ऑफर करता है हमको, रात के भी टाइम में उसके पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑल दैट द पीपल नीडेड टू डू वॉज टू ब्रेक ऑफ और स्निप ऑफ अ बिट ऑफ द स्काई फॉर देयर नीड्स, एवरी वन वॉज हैप्पी, और सभी लोग जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आकाश से लिए पाए, आकाश उन्हें दे रहा है, और एवरी वन वॉज हैप्पी, सब लोग एकदम खुश थे। टाइम पास्ट, समय बीतता गया, एंड स्लोली पीपल फॉरगॉट दैट दे नीडेड टू बी थ्रिफ्टी, टाइम बीतता गया और धीरे धीरे लोग ये भूल गए कि उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको जितने की ज़रूरत है उतना ही खाएं, बाकी वेस्ट ना करें, उसको सही से संभाल के रखें, या उसकी जहाँ ज़रूरत है उसे वहाँ पे यूज़ करें। एंड ऑफन ब्रोक ऑफ मच लार्जर चंक्स देन दे एक्चुअली नीडेड, और उन चीज़ों की जितने की उन्हें ज़रूरत है या सामने कुछ टाइम बाद पड़ेगी उसको संभाल के रखना सीखें, लोग ये चीज़ भूल गए। दे एट व्हाट दे कुड एंड टॉस्ड असाइड द रिमेनिंग इनटू द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द रिवर्स और डिचेस, वो जो कुछ उनको ज़रूरी रहता था, जितने की उन्हें ज़रूरत रहती थी उतना तो वो यूज़ करते थे, जितना वो यूज़ कर सकते थे, उसके बाद जो कुछ भी बचता था तो वो साइड में रिमेनिंग इनटू द फ्लोइंग वाटर्स, जो भी मतलब बहती हुई नदी की धारा में या तो खाई में सारा कुछ वेस्ट मटेरियल में जा रहा था जो कि सही नहीं है। दे स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट हाउ मच दे टुक, जितना वो लेते थे उसकी केयर धीरे धीरे बंद हो गई। जब हमें हद से ज़्यादा बिना कुछ किए मिलने लगता है तो यही होता है। ओ देयर इज प्लेंटी इन द स्काईज रिजर्व, दे वुड से द स्काई कैन स्पेयर इट,
ओ देयर इज प्लेंटी इन द स्काईज रिजर्व, वहाँ उनको यही चीज़ रहती थी कि आकाश में सब कुछ रिजर्व है और पर्याप्त मात्रा में है, प्लेंटी पर्याप्त मात्रा में है। दे वुड से द स्काई कैन स्पेयर इट, उनका ये कहना था कि आकाश इसे संभाल के रख सकता है, कैन स्पेयर इट। एंड नाउ द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आप अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो आई होप यू विल डूइंग वेल, थैंक यू सो मच।